खरगोन जिले में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संघ ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि अपनी मूलभूत मांगों को पूरा कराने के लिए संघ ने लामबंद होकर मोर्चा खोल दिया। इस दौरान अधिकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलने वाली राशि में शासन के नियम अनुरूप बढ़ोतरी करने की मांग की। वहीं संघ ने यह भी बताया कि समय रहते मांग नहीं मानी गई तो आगामी समय में उग्र आंदोलन की कमरकस तैयारी करके सड़कों पर उतरेंगे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। प्रांतव्यापी निर्देश में संयुक्त मोर्चे ने 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर दिए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। तो हमने अधिकारी संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में आज सभी संगठन और घटक दल जितने इसमें शासन से मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त जितने संघ हैं सभी एकत्रित होकर आज ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ADM साहब को दिया। क्या मांगे मुख्य? मांगे हमारी जो विशेष है 11% महंगाई भत्ता, दूसरा पेंशनरों का, और तीसरा हमारे जो अध्यापक लोग हैं उनको पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ये तीन विशेष है। और अच्छा, इसके बाद की समस्याओं का निराकरण नहीं होता, समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो भोपाल स्तर पर भी घेराव करेंगे। आज किन किन विभाग के लोग आपके साथ शामिल? आज हमारे पास सभी विभाग और निगम मंडल निगम नगर पालिका वगैरह सभी विभागों के लोग और सभी कार्यालयों के लोग आए। सुधीर शर्मा जिला अध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।